बेचैन है क्यों परेशान? हमें बहुत भूख लगी है। सही कहा, भूख के मारे पेट में चूहे भुदक रहे हैं। बहुत भूख लगी है। रुक जाओ पीको चैन। देखो मैं आज तुम्हारे लिए कितने सारे चमकने वाले पत्थर लाया हूँ। लेकिन आज मुझे चमकने वाले पत्थर नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। सुनो पीको चैन, पीको चैन नीचे आ जाओ। ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत भूख लगी है। अरे तुम तो वही बदमाश कंपनी वाले हो ना? सही पहचाना, और तुमने हमारे इलाके में आके अच्छा नहीं किया। अब वो लड़की हमारे कब्जे में रहेगी, समझे? अब ये क्या मुसीबत है? अगर तुम उसे छोड़वाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए खाना लाना पड़ेगा। बहुत भूख लगी है। हम गलत पते पर आ गए हैं पीको, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा आज यही रुकने का मन है। पीको मान जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है, इन भुक्कड़ों के लिए कुछ खाना लाना ही पड़ेगा। ये लो खाना, अब इसे खाओ और पीको चैन को छोड़ दो। ठीक है चलेगा। रुक जाओ। क्या सिर्फ तीन केले के बदले में तो मुझे छोड़ दोगे? ये नहीं हो सकता पीको चैन। सही कहा, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। जाओ कुछ और खाने के लिए लेके आओ। मेरे लिए तो यही काफी है। मेरे लिए भी। मैंने कहा ना इससे काम नहीं चलेगा, और खाना लेकर आओ वरना उस लड़की को भूल जाओ। ठीक है मैं और खाना लेकर आता हूँ। रुक जाओ, जो है वो तो देते जाओ। भूखे कहीं के। ये लो और अपनी भूख मिटालो, समझे? इतना खाना हमारे लिए बहुत हुआ। हाँ उस्ताद। रुक जाओ। तुम्हें पता है ना मैं कितनी सुंदर हूँ? तो एक सुंदर लड़की को बचाने के लिए सिर्फ केले काफी नहीं होते। वो सही कह रही है, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं पता, जाओ कुछ अच्छा खाना लेकर आओ। माँ ठीक है पीको। अरे वाह, थोड़े केले बच गए, इससे काम चल जाएगा। अरे वाह उस्ताद, आप तो महान हैं। चलो अब केले खाते हैं। रुक जाओ, मुझे भूख लग रही है, पहले मैं खाऊंगी। आओ, वैसे इतने पूरे भी नहीं है। बहुत भूख लगी है। हमारा क्या होगा? अरे अरे अरे, रुक जा। अरे वाह, इस बार तो तुमने वाकई में लंबा हाथ मारा है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाथ लंबा मारा हो या छोटा, लेकिन मुझे इस टाइप की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। पीको चैन, ये खाना तो अच्छा है, इसमें क्या परेशानी है? अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे बहुत वाली है। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? भला मुझे ऐसी सुंदर लड़की गंदा सा टपीर खाएगी? ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। ओए बच्चे, जोक भी कर जल्दी कर, पर हमारा दिमाग मत खराब कर। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कुछ तो दे दो मुझे। हाँ मैं यूं गया और यूं आया। वाओ। कोई बात नहीं तोते चैन, और तेज तोते चैन, और तेज। यहाँ से तेज चलाओ तोते चैन, तेज चलाओ। तो रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ चुपचाप निकल लो यहाँ से। भूख लग रही है। भूख से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कहा निकल लो वरना उसे पता चल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे बचकर भाग रहे हो?
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है। अच्छा है आजकल के जमाने में बदमाशों में थोड़ी शराबत बाकी है, तरक्की करोगे। वो हमारी तरफ नहीं देख रही है, चलो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। आखिर हमें ऐसी मुसीबत को गले में डालने की क्या जरूरत थी? मुझे भूख लग रही है। अब क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। तुम हम बदमाशों की भी अम्मा निकली। तोते चैन, जाओ से अपने घूसे से चित कर दो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हो तोते? छोड़ो मुझे, मैं से निपटता हूँ। चुपचाप निकल लेता हूँ। कुछ और लाने के लिए मत कहना, इसे ले लो और भी कुछ दे दो। ले जाओ जल्दी से यहाँ से, ले जाओ उससे पीछा छुड़ाओ। ये क्या है? अभी तक मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं शेर खाऊंगी। पीको चैन, अब तो हमें छोड़ दो। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है और फूल भी कितना सुंदर है। हमारी मदद करो। अरे कोई नहीं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों काफी बिजी हो। मैं फूलों के बगीचे में घूमने जा रही हूँ। बाय बाय। बन गए भूत। ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं लेकिन डरावनी बहुत है। उस दिन मुझे काम करते करते बहुत देर हो गई थी और जब मैं घर वापस लौट रहा था तभी अचानक मुझे नहीं सुनी है डरावनी कहानी, बहुत डरावनी है। तुम तो बहुत डरपोक निकले, ऐसी कहानी सुनकर ही डर के मारे तुम्हारी हवा निकल गई है। एक बात बताओ कौन, आज तुम्हें डॉक्टर से दवाई लेकर आनी थी, तुम उनसे दवाई लेकर आए? मैं बिल्कुल भूल गया, मैं आगे से याद रखूंगा। कोई बात नहीं लेकिन कल याद से ले आना। ये गलत बात है गॉन, तुम्हें हर काम वक्त पर करना चाहिए। जाओ और अकेले ही दवाई लेकर आओ, जाओ। क्या अकेले लेकर आओ? पापा भी मुझे भगाते रहते हैं। बहुत डर लग रहा है। गॉन सचमुच बहुत डरपोक है, मुझे उसका डर भगाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ थोड़ी सी शरारत करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ, कौन है वहाँ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दवाई लेने आया हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बना कर दे देता हूँ, लेकिन इसे संभाल कर ले जाना। ये लो, रात हो गई है, अब जल्दी जाओ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? चलो भाग कर। तो डरा क्यों रहे हो? गोल, किसी चीज को ज्यादा मत देखो, किसी चीज को हाथ मत लगाओ। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, भूत नहीं होते, ये मन का वहम होता है। ये मैं हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी तो हवा ही निकल गई थी। बस हो गया, अब आएगा असली मजा। वो पतला एकदम भूत की तरह लग रहा है। डॉन यहाँ बिल्कुल बेखबर आएगा और आते ही इस रस्सी से टकरा जाएगा और पुतले को देखकर डर जाएगा। अब मुझे छुप जाना चाहिए, अगर उसने मुझे देख लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सॉरी सॉरी तोते चेट, तुम्हें मेरी वजह से इतनी दूर मुझे लेने आना पड़ा। तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो। वो बस आने ही वाला है। ये क्या, वो तो गिरा ही नहीं। इस बार मेरी प्लानिंग बेकार नहीं जाएगी, वो जरूर डर जाएगा, क्योंकि इस बार मैं भूत बनकर उसके सामने जाऊंगा। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। चलो तब डराने के लिए चलते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें नदी को पार करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं। अरे ऐसा लगा पानी में अभी अभी कोई था। मुझे भी लगा। जाए, जाए। लगता है हम कोई बहुत ही अजीब जगह से जा रहे हैं। तोते चेन, घबराओ मत। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, उसे डरा कर ही रहूंगा। अरे मैंने अभी अभी कोई आवाज सुनी, लगता है शायद हवा की आवाज होगी, बहुत अजीब जगह है। तुम टेंशन मत लो। तोते चेन, जल्दी चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलते रहा हूँ। वो क्या है? अप्पा, आप यहाँ मेरी मदद करने आए हैं ना अप्पा? अप्पा, क्या तुम्हारे अप्पा की शक्ल ऐसी है? जरा देखो तो। आखिर मैंने गॉन को डरा दिया, उसकी शक्ल देखने लायक थी, कैसे धूम धमा कर भागा था डरपोक कहीं का, जबकि उसे पता है कि भूत होते ही नहीं है। परेशानी क्या है तोते चेन? ऐसा शॉट माना कि बाउंड्री पार हो जाए। बस तुम देखते जाओ। डालो ये लो। देखो इसे कहते मारो चौका, लग गया छक्का। मैंने तो बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए कहा था, इसने तो दुनिया के पार पहुंचा दिया। खैर कोई बात नहीं, तोते चेन जाओ उस पत्थर को ले आओ। ठीक है, बस यूं गया और यूं आया।
मैं सोच रहा था तुम ले आते तो। जब तुमने पत्थर उड़ाया तो तुम्हें शर्म नहीं आई, अब क्यों शर्म आ रही है? जाओ जाओ लेकर आओ। ठीक है लाता हूँ। कहाँ गया पत्थर? यहाँ तो नहीं है, अब कहाँ ढूंढू उसे? वो कौन है भाई? तोते चैन क्या हुआ? तोते चैन तुम्हें वो पत्थर मिला या नहीं? तुम्हें क्या हो गया तोते? मैं आ रहा हूँ। ये तोते चैन को अचानक क्या हो गया? मैं और गाजर लाता हूँ, ये भी ले जाता हूँ, ये भी इतने काफी होंगे। अच्छा तो ये चक्कर है, कितनी अच्छी बात है। चलो तोते चैन को भी कोई अच्छा लगने लगा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चिंता मत करो, हमें पता है तुम्हें वो पसंद है। लेकिन वो खरगोश है और ये एक गोरिल्ला, तो फिर भला ये दोस्ती कैसे? मुझे जरा सोचने दो। उससे दोस्ती का ख्याल तुम्हें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। चिंता मत करो तोते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अप्पा आप भी इसमें हमारी मदद करेंगे ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस बस मेरे ऊपर से उतर जाओ तो एहसान अपने आप उतर जाएगा। इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता, दम है तो छू कर दिखा। तुम ठीक हो ना? शुक्रिया, कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। सुनो, तुम जा रही हो क्या? बाय बाय। फिर कब मिलेगी वो? तोते चैन की हालत तो देखो, उससे अपनी दोस्ती का हाथ उस खरगोशनी की तरफ बढ़ा देना चाहिए। अब ये काम तो तोते चैन ही कर सकता है। अच्छा लग रहा है ना? हमारी दोस्ती की निशानी। सपना देख रहा था।
वो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्त को खाएगा। तुम ठीक हो ना? लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊंगी। मैं जमकर खाऊंगा। तोते चनम काफी ठीक लग रहा है ना अप्पा? हाँ, और खुश भी लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेहमत का बच्चा। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ, तोते चैन कहाँ हो? यहाँ हूँ। अरे तोते चैन, ये क्या कर रहे हो तोते चैन? कुछ सुना? मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे ये तो मेहमत का बच्चा है। रुक कर लो बात। ये मस्ती कर रहा है। कौन कौन से कम है? अरे बाप रे, शेर आ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तोते चैन, दिखाओ अपना कमाल। बस देखते जो तुम है तो आगे बढ़ो। आ जाओ, आ जाओ। तोते चैन शेर को चुटकियों में हरा देगा। भागो। मेरा ये मतलब नहीं था। भागो। अरे रुक जाओ। मुझसे पंगा लेना था। बाउ 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 बाउ, मैं मत आ गया। बाउ, वो तुम्हारे अप्पा है। वो तो अम्मा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी अम्मा तो सच में बहुत ताकतवर है। अम्मा अप्पा, हम इस मेहमत के बच्चे को घर रख सकते हैं? इस मेहमत के बच्चे को? हाँ,
बिल्कुल आए। लेकिन अप्पा इसके अम्मा हम सबको शेर से बचाते हुए पहाड़ से नीचे गिर गई। अब इसका दुनिया में कोई नहीं रहा। ये यहाँ नहीं रह सकता। गॉन, तुम तो जानते हो ना हम घर में जानवर नहीं रखते। अगर तुम इसके साथ दोस्ती कर लोगे और जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम इसके खाने का इंतजाम कैसे करोगे? मैं नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारे अम्मा अप्पा इसे नहीं छोड़ने वाले। मुझे पता है ये बड़ा होकर बहुत ही टेस्टी मेहमत बनेगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तोती चे, जल्दी से इसे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। जल्दी करो। गॉन, मैं नहीं चाहता बाद में इसका शिकार होने पर तुम्हें अफसोस हो। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अभी तो हम इसके साथ ही इसलिए खुश है, बाद में इसका क्या होगा? अरे ये तो वही शेर है, ये फिर से टपक पड़ा। तोती चिन, इस बार इसे छोड़ना मत। इस बार तू नहीं बचेगा। आ जा।